सो गाइस, आजकल ना लोगों को बहुत यूनिक टोन चाहिए होता है अपने फोटो के अंदर, जो कि लोगों को कुछ इस टाइप की कलर ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा पसंद में आ रही है। तो रिसेंटली मैं शूट पे गया था एंड मैंने वहाँ पे क्लिक करी थी कुछ इस टाइप की रॉ फोटो, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये मेरी रॉ फोटो है एंड इसको एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप की मैं इसको एडिट कर देता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये टोन मैंने अपने फोटो के अंदर अचीव किया एंड क्या क्या सेटिंग रखी जो कि Lightroom की होने वाली है। तो Lightroom का पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल देने वाला हूँ मैं इस फोटो का, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाओ और अपनी फोटो को इस टाइप की एडिट कर पाओ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पे मैंने अपनी फोटो को इम्पोर्ट कर लिया है एंड यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला स्टेप होएगा वो हमारा होएगा लाइट करेक्शन। तो यहाँ पे मैं एडिट में आता हूँ, लाइट सेक्शन में आऊँगा। लाइट सेक्शन में आने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोजर तो जो है हमारी जो लाइट है ओवरऑल वो ब्राइट है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोजर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। तो यहाँ से मैं शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड ब्लैक को कर लेता हूँ डाउन, जिससे कि हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो डार्क हो रहा है और हल्का फुल्का कॉन्ट्रास्ट हमारी फोटो में ऐड हो रहा है। बाकी सारी लाइटिंग तो परफेक्ट है हमारी फोटो के अंदर। तो अब जो दूसरा स्टेप होएगा मेरा वो होएगा फेस पे एक लाइट ऐड करना। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में आने के बाद यहाँ प्लस आइकन पे जाऊँगा एंड ब्रश लूँगा और अपने जो स्किन है उसको मैं सिलेक्शन कर लूँगा ब्रश की मदद से। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया एंड यहाँ पे मैं लाइट में जाऊँगा, हल्का सा एक्सपोजर को इंक्रीज़ करूँगा ताकि हमारे फेस पे जो लाइट है वो आ जाए। तो एक्सपोजर इंक्रीज़ करने के कारण हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है ना फेस का वो कम हो गया है। तो यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को भी ऐड कर दूँगा हल्का सा एंड ब्लैक्स को हल्का सा ऐड करेंगे करीब इस तरीके से। तो यहाँ से इतना करने के बाद अब मेरे को एक कलर टोन चाहिए अपने फेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा कलर पैनल में। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कलर है ना वो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का हो फेस का जो टोन है। तो यहाँ से मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा सैचुरेशन में एंड इसको हल्का सा नीचे करेंगे ताकि ज़्यादा भी कलर ना आ जाए हमारे स्किन पे जो कि फेक लगे। तो इतना मेरे को परफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डन। तो यहाँ से इसको हमने कर दिया है डन। अब देख सकते हो हमारी जो फोटो में लाइटिंग है और जो स्किन टोन है वो परफेक्ट हो चुकी है। अब जो दूसरा स्टेप हमारे पास आता है वो हमारा है कलर ग्रेडिंग का, जो हम टोन अपनी फोटो के अंदर देना चाहते हैं। तो मैं आ जाता हूँ कलर वाले पैनल में एंड यहाँ से हल्का सा वाइब्रेंस को मैं इंक्रीज करूँगा ताकि जो कलर बूस्ट होने वाले हैं वो बूस्ट हो जाएं। मिक्सर टूल में आने के बाद आपको क्या करना है, जो पहला कलर हमारा रेड वाला है उसको हम थोड़ा सा ह्यू को चेंज करेंगे एंड सैचुरेशन को हल्का सा प्लस करूँगा एंड यहाँ से लूमिनस को भी हल्का सा बढ़ा दूंगा। तो सेकंड कलर जो हमारा है वो स्किन के ऊपर आता है, तो यहाँ से मैं हल्का सा लूमिनस ऐड करूँगा फोटो के अंदर, कर लूँगा जूम ताकि जो मैं कलर कर रहा हूँ वो परफेक्ट मेरे को दिखे। तो मैं अभी स्किन के ऊपर काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने स्किन के ऊपर जूम करी है। तो यहाँ पे हल्का सा रेडिश टोन मेरे को चाहिए, तो हल्का सा इसको ह्यू को मैं माइनस कर दूंगा ऑरेंज टाइप में। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रेड हो जाएगा एंड सैचुरेशन को हल्का सा माइनस करूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी कलर टोन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, नेचुरल लग रही है। एंड यहाँ पे जो येलो है, येलो कलर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो सैचुरेशन को मैं हल्का सा माइनस करूँगा ताकि जो हमारे स्किन के ऊपर जो हल्का फुल्का येलो पार्ट आ रहा होगा ना, येलो कलर आ रहा होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ से मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा और माइनस कर लेता हूँ। तो देख सकते हो अभी हमारे फोटो में जो येलो पार्ट था ना वो हट चुका है। तो यहाँ से हम ग्रीन टोन ऐड करने के लिए, जैसे कि मेरे को डार्क ग्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सैचुरेशन को हल्का सा माइनस करूँगा एंड यहाँ पे यू को मैं प्लस करूँगा एंड लूमिनस को कर दूंगा कम ताकि जो हमारा जो ग्रीन पार्ट है ना वो डार्क हो जाए हल्का सा। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना काफ़ी अच्छा लग रहा है, सैचुरेशन को हल्का सा और माइनस कर लूँगा मैं। तो देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है ये एंड जो ब्लू कलर है उसको हल्का सा मैं यू को माइनस करके सैचुरेशन को इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी जो हमारी टोन है वो हल्की फुल्की आ चुकी है हमारे फोटो के अंदर। अब जो मेन काम है ना वो सिलेक्टिव टूल का होता है। तो अभी यहाँ पे जो लाइट वगैरह, कहाँ पे मेरे को डार्क करना है, कहाँ पे मेरे को ब्राइट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी सिलेक्टिव टूल में होने वाली है। तो मैं सिलेक्शन टूल में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा नीचे का एरिया है ना, यहाँ पे जो रोड है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये वाला एरिया मैंने ऐसे लीनियर से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप भी ऐसे सिलेक्ट कर लें। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो,
तो यहाँ पे लेयर के ऊपर मैं डबल टैप करूँगा तो यहाँ पे मेरे को इस टाइप का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है माइनस करके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क टू, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दूंगा ताकि वो सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में चला जाए। तो देख सकते हो अभी जो हमारी सिलेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको डार्क करने के लिए क्या करूँगा, इफेक्ट में आऊँगा, इफेक्ट में डीएस को हम प्लस करेंगे। तो देख सकते हो जब हमारा नीचे का एरिया है वो डार्क हो रहा है, तो इस तरीके से अपने डार्क कर लेना है। थोड़ा बहुत इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा माइनस करके क्लैरिटी को इंक्रीज कर दूंगा। और लाइट वाले पैनल में जाएंगे, यहाँ से भी एक्सपोजर को हम हल्का सा माइनस कर लेंगे ताकि और डार्क हो जाए। तो यहाँ से हल्का सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, परफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा जो नीचे का एरिया है वो डार्क हो चुका है। एंड अभी जो हमारे शू हैं वो बैकग्राउंड के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, मतलब कि लाइट उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाऊँगा ब्रश से। तो यहाँ पे अपने शूज़ के ऊपर आपने ब्रश कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे अंडो कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपकी अभी आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैं एक ब्रश ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपने शूज़ के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत जो इधर उधर एरिया जा रहा है ना वो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको हम सही कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो अपना शू है वो सिलेक्ट कर लिया है। एंड इसको परफेक्ट सिलेक्शन बनाने के लिए मैं लेयर के ऊपर डबल टैप करूँगा एंड माइनस सब्ट्रैक्ट टू सब्जेक्ट कर दूंगा। तो ऐसा करने से अभी जो हमारा सिलेक्शन है वो बैकग्राउंड में जा चुका है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऊपर जो इन्वर्ट का ऑप्शन है यहाँ से इन्वर्ट कर दूंगा ताकि जो हमारे शूज़ हैं वो सिलेक्शन में आ जाएं। तो यहाँ से देखो मैं एक्सपोजर को हल्का सा माइनस करता हूँ ना, तो मेरे शूज़ के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जितना आपको सही लगे उतना आप कर देना। ब्लैक को मैं हल्का सा ऐसे कम कर देता हूँ एंड शेडोज को हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डन कर देता हूँ। तो देख सकते हो जो हमारा शू है वो ब्राइट मतलब डार्क हो चुका है, जो कि एकदम रियल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ ना, थोड़ी बहुत सिलेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे प्लस के आइकन में जाके लीनियर ग्रीन लेके एक ऐसे साइड से मैं यहाँ पे डार्क करूँगा एरिया। तो देख सकते हो ऐसे थोड़ा सा डार्क कर दिया एंड लेफ्ट साइड से भी मैं ऐसे ही डार्क करूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो नीचे का एरिया मैंने अभी डार्क किया है ना, उसकी वजह से मेरा जो शूज़ है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसका जो सिलेक्शन किया था मैंने, इसका यहाँ से एक्सपोजर बढ़ा लेता हूँ एंड ब्लैक को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता ना वो बहुत ही गंदा सा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। एंड अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊँगा, रेडियो ग्रेडियन लूँगा, ऐसे यहाँ पे आपको ना ग्रीन जो पार्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे करके यहाँ पे बैकग्राउंड में जो ग्रीन पार्ट आ रहा है ना उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड इसको हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से इसको भी इन्वर्ट कर देंगे माइनस करके सिलेक्ट सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में, ताकि जो हमारा पीछे वाला एरिया है वो सिलेक्ट हो। अब यहाँ से मैं इसको कॉन्ट्रास्ट को ऐड करूँगा, तो देख सकते हो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ऐड हो रहा है। और एक्सपोजर को हल्का सा माइनस करूँगा ताकि जो हमारा ग्रीन पार्ट है ना वो हल्का सा डार्क हो जाए। तो देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है ना वो हमारा डार्क हो चुका है। तो अब क्या करना है मेरे को, अब यहाँ से मैं लाइट ऐड करूँगा, जो स्काई में लाइट आ रही है ना वो मैं ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ से स्काई में लाइट ऐड करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट स्काई लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं टैप कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक अपने स्काई को सिलेक्ट कर लेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्काई है ना वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इसमें लाइट ऐड करने के लिए मैं यहाँ से पहले क्लैरिटी को माइनस करूँगा ताकि जो लाइट है ना वो हमारी वो सॉफ्ट निकल कर आए। यहाँ पे इतना करने के बाद डीएस को आप माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने से क्या होता है कि इसमें ना लाइट ऐड होती है, देख सकते हो यहाँ पे अगर इसको मैं माइनस कर रहा हूँ तो लाइट ऐड हो रही है, प्लस कर रहा हूँ तो डार्क हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर देना है एंड लाइट वाले सेक्शन से भी मैं यहाँ पर लाइट बढ़ा लूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पर लाइट यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर अब आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन लूँगा एक और एंड यहाँ से एक रेडियल ग्रेडियन लूँगा। तो ऐसे करके एक रेडियल ग्रेडियन बना लूँगा ताकि यहाँ से एक हल्का सा बाउंस करेंगे हम लाइट को फ्लेयर टाइप, ताकि ऐसा लगे कि इधर वन साइड से लाइट हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ से मैं ऐसे इसको सिलेक्ट करके ऐसे बना देता हूँ एंड यहाँ क्लैरिटी से इसको माइनस कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में मैंने लाइट ऐड कर दिया है एंड जो स्काई है वो भी हमारा ब्राइट कर दिया है। तो अभी मैं बिफ़ोर आफ्टर आपको दिखाऊँ, तो बिफ़ोर
एंड आफ्टर देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंज है हमारी फ़ोटो के अंदर। और इतना करने के बाद अभी हमें क्या करना है, लाइट वाले पैनल में जाएंगे। लाइट वाले पैनल में आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको कर्व दिख रहा होगा, कर्व में यहाँ पे हम एक तीन डॉट बनाएंगे वाइट वाले कलर में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को ऐड करूँगा यहाँ से। तो जो ये वाला एरिया है शेडो पार्ट वाला, इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ करूँगा, तो देख सकते हो हमारी फ़ोटो जो डार्क पार्ट है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। एंड नीचे से यहाँ से भी इसको हल्का सा ऐसे करूँगा, देख सकते हो ओवरऑल हमारी फ़ोटो के अंदर कॉन्ट्रास्ट कितना ज़्यादा ऐड हो चुका है। एंड इतना करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो में शार्पनेस चाहिए, तो शार्पनेस के लिए हम आ जाएंगे डिटेल वाले सेक्शन में। यहाँ पे शार्पनेस अमाउंट को पूरा 50 प्लस रखेंगे, तो करीब मैं इतना कर लेता हूँ। एंड डिटेल को हम बढ़ा देंगे 50 के अराउंड। एंड यहाँ पे मास्किंग करेंगे हल्का सा, आप ऐसे करके मास्क कर सकते हो। तो देख सकते हो जो हमारी ना फ़ोटो है वो कितनी ज़्यादा शार्प हो चुकी है। तो फाइनल जो हमारी फ़ोटो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो ना जरा सा भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करके जाना, एंड कमेंट कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं फिर से ऐसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।